फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन पटेल्स किचन मैं हूं मुबीना पटेल और आज है रमज़ान का चौथा रोज़ा यानी कि डे फोर्थ ऑफ रमदान आज के इफ्तार में मैंने बनाए थे चिकन आलू कटलेट बहुत इजी एंड सिंपल तरीके से मैंने एक ब्रेस्ट चिकन को पीसीस में कट कर लिया है इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया टेस्ट के अकॉर्डिंग एक टी अदरक लहसन का पेस्ट एक टी हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड किया हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून जीरा पाउडर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून चाट मसाला हाफ टी स्पून और ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून ऐड किया विनेगर एक टी स्पून ऐड किया मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया तीस मिनट के लिए और इसके बाद मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और मैं ये चिकन को कुक कर लूँगी तो हल्का सा सोटे होने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए और पानी ऐड करके मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी और जब ये कंप्लीट कुक हो जाता है तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और उसको मैं चॉपर में श्रेड कर लूँगी तो आप चाहे तो हाथ से भी इसके रेशे कर सकते हो और मैंने एक तरफ़ तीन आलू को बॉईल करके ले लिया है और आलू के छिलके उतार दिए और उनको मैश कर लिया चिकन के इस तरीके से मैंने इसे चॉपर में कर लिया है तो ज़्यादा बारीक हुआ है आप हाथ से भी कर सकते हो अब इसके अंदर थोड़े मसाले और ऐड करने हैं आलू के हिस्से के तजीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर हाफ टी स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है चाट मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड करना है ब्लैक पेपर भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया मैंने चिली फ्लेक्स में ऐड करूंगी एक टीस्पून चिली फ्लेक्स अच्छे लगते हैं इसके अंदर और ये चिली फ्लेक्स मेरे कम तीखे हैं इसलिए मैं एक टीस्पून जितने ऐड कर दूँगी और मैं ऐड करूंगी हरा धनिया यानी कि कोठमीर इस और अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मेरा कटलेट का मिक्सचर रेडी हो जाता है तो मैं ऑयल थोड़ा सा हाथ पर ग्रीस करके मैं इस तरीके से कटलेट का शेप दे दूँगी आप कोई भी शेप दे सकते हो ओ, ओवल शेप या फिर रेक्टेंगल मैं नॉर्मल राउंड शेप ही दे रही हूँ और इस तरीके से सारे कटलेट रेडी कर लूँगी और बाद में मैं क्या करूँगी दो अंडे ले लूँगी और इनको अच्छे से फेंट लूँगी नमक और ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस करने के लिए और मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर कटलेट को डिप करूँगी और ब्रेड क्रम से कोट करके इसे साइड में रख लूँगी इस तरीके से सारे कटलेट मैं रेडी कर लूँगी फ्रेंड्स ऐसे भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा तो बस इसी तरीके से सारे कटलेट रेडी कर लेने हैं ये ब्रेड क्रम्प्स मेरे घर पे बनाए हुए हैं मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी तो उसका लिंक आई बटन पर दे दूँगी चेक ज़रूर कर लेना तो बस ये सारे कटलेट रेडी हो जाते हैं तो मैं इनको साइड में रख देती हूँ और मैं क्या करूँगी कि मुझे बनाने हैं पकोड़े तो मैं पकोड़ों के लिए मैंने बेसन ले लिया है थ्री फोर्थ कप जितनी ही मेरी ज़रूरत है एक प्याज इस तरीके से लंबा लंबा स्लाइस में कट किया है और आलू एक कट कर लिया है और थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट ये ग्रीन चिली पेस्ट मैं फ्रीज़र में रखती हूँ इसलिए इस तरीके से क्यूब्स करके रख देती हूँ ग्रीन्स में मैंने मेथी हरा धनिया और स्प्रिंग अनियन सेट किए स्प्रिंग अनियन आपने अभी तक नहीं ऐड किया है पकोड़े में तो ज़रूर करना बहुत अच्छा टेस्ट आता है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून कुरियंडर पाउडर हाफ टी स्पून जीरा पाउडर हाफ टी स्पून और गर्म मसाला पाउडर हाफ टी स्पून ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्स करके पानी के साथ इस तरीके का इसका बैटर बना दिया अब मैं क्या करूँगी जो कटलेट्स मैंने रेडी करके रखे थे उनको मैं एयरफ्राई कर लूँगी तो मैंने एयर फ्रायर को ऑयल स्प्रे से स्प्रे कर लिया और मैं ये सारे कटलेट अंदर रख के इसके ऊपर फिर से ऑयल स्प्रे कर लूंगी और बस मैं फ्रायर को सेट करूंगी सात मिनट के लिए 200 हंड्रेड टेम्परेचर पर फ्राइड मोड पर और बस ये रेडी हो जाएंगे पकौड़ों को आज मैंने डिप फ्राई किया है तो फ्रेंड्स मेरे बच्चों के थोड़े नखरे हैं इसलिए वरना मैं इसके अंदर पालक भी चॉप करके ऐड करती तो पकोड़े बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने पालक नहीं ऐड किया है तो यहाँ पर मेरे कटलेट्स भी फ्राई होकर रेडी हो गए हैं और ये है माशाल्लाह मेरा इफ्तार का दस्तरखान तो फ्रेंड्स ये ग्रीन चटनी मैंने स्टोर करके रखी हुई है आइस ट्रे में मैंने इसके क्यूब्स कर लिए हैं और ज़रूरत के हिसाब से निकाल कर यूज कर रही हूँ आप भी ऐसे कर सकते हैं रेसिपी मैंने शेयर की हुई है ये केक मेरा बनाया हुआ नहीं है मैं बनाती तो ज़रूर शेयर करती तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दुआओं में जरूर याद रखना सो डेट्स इट फॉर टू होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू अल्लाह हाफिज़